वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे करंट अफेयर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, और दोस्तों किसी वजह से हम यहाँ पे जो करंट था नवंबर का वो पूरी तरह से डाल नहीं पाए थे। उसमें से कुछ डेज़ की वीडियो रहती है तो हम पहले उनको कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो दिसंबर का पोर्शन है हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये कवर हो जाता है हम आपको रेगुलर करंट की वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 24 नवंबर 2017 के जो एमसीक्यू है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, आई के ई ए ने भारत में किस शहर में अपना पहला अनुभवनात्मक केंद्र आई के ई ए होम हाउस लॉन्च किया है? तो वो यहाँ पे किया हैदराबाद के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखिए ये आई के ई ए है क्या, ये एक स्वीडन फर्निशिंग रिटेलर हैदराबाद में जो कि पहला अनुभवनात्मक केंद्र स्थापित करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे जो फोरन के अंदर जितना भी फर्नीचर मटेरियल है वो आपको यहाँ पे आई के ई ए स्टोर के ऊपर उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये आपको कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे 2018 के अंदर यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये एक स्टोर उपलब्ध हो पाएगा जो कि हैदराबाद के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कि हैदराबाद के बाद 2019 के अंदर यहाँ पे मुंबई में दूसरा स्टोर यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बारी आएगी बेंगलोर और दिल्ली एनसीआर की, वहाँ पे भी इस तरह के स्टोर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क किस राज्य या यूटी के अंदर स्थित है, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखिए जो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है वो एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा करेक्ट रहेगा वो रहेगा डी, ठीक है। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा 256.14 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 के अंदर। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई है उसके लिए ये यहाँ पे प्रसिद्ध है, उनके नाम पे इसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और अगर हम उनका वृत्तांत देखें वो कब से कब तक था, तो 1828 से लेके 1858 तक रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये जो पार्क है इसके अंदर बहुत से जो महत्वपूर्ण है वो वन्य जीव है जिनका यहाँ पे आवास है, जिसके अंदर की डगोगा हो गए, मगरमच्छ, समुद्री जीवन, कोरल रिफ्स या फिर मंगल टेरोस्ट्रियल, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं यहाँ पे जिनका जीवन यापन होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पुनर्निर्माण और विकास एबीआरडी के लिए यूरोप बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये यूरोप बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1991 के अंदर, और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी लंदन इंग्लैंड के अंदर इसको स्थापित किया गया था। और ये है क्या, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, ठीक है। और ये फिलहाल चर्चा के अंदर क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने हाल ही में एबीआरडी के लिए भारत की सदस्यता को मंजूरी दे दी है, इसीलिए ये यहाँ पे चर्चा के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा करेक्ट रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सरकारी सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन से ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे उमंग मोबाइल एप्लीकेशन को 23 नवंबर 2017 को नागरिक सेवाओं के लिए एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इन उमंग का अगर हम पूरा नाम देखें तो इनका नाम हो जाएगा नई उम्र शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। और जिसे कि जो मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2019 में बैडमिंटन और पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की संयुक्त रूप से होस्ट करने वाला पहला शहर कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे जो बासेल है और उत्तर पश्चिमी स्विट्जरलैंड के एक शहर जो कि पहले
बैडमिंटन और पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन की मेजबानी के लिए पहला शहर बनने के लिए जा रहा है, और वो अब की बार यहाँ पे ये दोनों टूर्नामेंट एक साथ ही स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, जो कि 23 नवंबर 2017 को इन दोनों टूर्नामेंट की पुष्टि की जाएगी, ठीक है। और ये स्विस सिटी ने 2019 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एक वोट के लिए टोक्यो को हराया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2017 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कौन करेगा, तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जो 2017 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन 25 नवंबर 2017 को होने के लिए जा रहा है, और ये कहाँ होगा, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वित्तीय सेवाओं के लिए किस बैंक ने एक एकीकृत एप्लीकेशन योनो आपको केवल एक ही आवश्यक है लॉन्च की है, तो ये किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है, ये की गई है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आंसर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में भी कि ये है क्या। देखिए यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने हाल ही में एक एकीकृत एप्लीकेशन योनो को यहाँ पे लॉन्च किया है, और ये किस लिए है, ये यहाँ पे सभी प्रकार के वित्तीय जीवन शैली उत्पाद प्रदान कराएगी, ठीक है। किस तरह से करवाएगी, यहाँ पे देखिए जो ओमनी चैनल है प्लेटफॉर्म ग्राहकों को अपनी जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए 14 श्रेणियों में कैब की बुकिंग के लिए चिकित्सा आवश्यक को पूरा करने के लिए अनुमति देगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी सुविधा देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर की अमेजन ओला फ्लिपकार्ट यात्रा स्विमिंग और बीजेजीयू के 60 ई कॉमर्स खिलाड़ियों के साथ भागीदारी की है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने संविधान दिवस पर एक डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे किया है मानव संस्थान और विकास मंत्रालय ने, ठीक है। तो देख लेते हैं एक नज़र में इसके बारे में, ये केंद्रीय मानव संस्थान और विकास मंत्रालय ने यहाँ पे जो भारत में विश्वास की पुष्टि के लिए संविधान दिवस पर एक डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, और जो यहाँ पे ये जो शुरू किया गया है वो है संविधान में जो निहित मूलभूत जो कर्तव्य है उनको जागरूकता उनके अंदर पैदा करने के लिए, इसलिए इसको यहाँ पे शुरू किया गया है। और इसके साथ आप जुड़ कैसे सकते हैं, आप यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म भर के इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो भारत का संविधान है उसको गोद लेने के लिए 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, क्योंकि 1949 के अंदर इसी दिन भारत ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जॉन हेंड्रिक्स महान जैज गायक का निधन हो गया है, उन्होंने किस देश से स्वागत किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे स्वागत किया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक बार देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। जो जॉन हेंड्रिक्स है ये एक पौराणिक जैज गायक और गीतकार है। 22 नवंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डेविड कॉसिडी प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया है, उन्होंने किस देश से स्वागत किया था, तो उन्होंने भी यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वागत किया था, ठीक है। देख लेते हैं इनके बारे में एक बार थोड़ा सा। डेविड कॉसिडी किशोर और प्री किशोर की मूर्ति जिन्होंने की 1970 के सिटकॉम द पार्टीज फैमिली में अभिनय अपना शुरू किया था, और एक संगीत का मुख्य गायक के रूप में लाखों रिकॉर्ड बेचे उन्होंने। उनका 21 नवंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आप हमें शेयर करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको कंटिन्यू सभी करंट की वीडियो उपलब्ध होगी, ठीक है। ये जो अभी थोड़ा सा पोर्शन रहता है जो कि मैं करवा नहीं पाया था, मैं पहले इसको कवर करूँगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे रेगुलर हर डे की यहाँ पे जो है करंट की वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों करंट का पोर्शन हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि
जितने भी हमारे एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर करंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो छोड़ने में कुछ भी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपनी तैयारी कर रहे हो तो करंट को बिल्कुल करके चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।